नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। हमारे देश में क्रिकेट को जिस तरीके से महत्व दिया जाता है, उतना ही बाकी खेलों को और खिलाड़ियों को महत्व दिया जाना चाहिए, ये कहना था दिल्ली हूपर्स की ऑनर पूजा भट्ट का। जी हाँ, दिल्ली में पूजा भट्ट पहुंची हुई थी, इसके साथ ही उनकी पूरी टीम भी उनके साथ पहुंची हुई थी। क्या कुछ कहना था उनका, उनकी टीम और खिलाड़ियों को लेकर, इस पर बातचीत की हमारे सहयोगी अमित तिवारी ने। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय मनीष मखीजा जी एंड पूजा भट्ट जी एंड ऋत्विक भट्टाचार्य जी। 3BL इज अ फॉर्मेट ऑफ बास्केटबॉल जिसमें 5 की जगह 3-3 प्लेयर खेलते हैं, एक ही रिंग में खेलते हैं। मैच 5 से 20 मिनट तक का हो सकता है, जो पहले 21 स्कोर कर लेगा दैट इज़ व्हाट द मैच इज। ये इसकी लीग शुरू हुई है, दिल्ली से शुरू हो रही है, ये 5 सिटीज़ और जाएगी विच इंक्लूड्स आइजवाल, चेन्नई, कैलकटा, बॉम्बे एंड हैदराबाद। एंड टुडे आर टीम दिल्ली हूपर्स भी, जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा कब्जा किया हुआ है, वो खेलेगी आज और गोवा के साथ। तो आई वुड वांट पीपल टू कम एंड सी दैट मैच। क्या सोच के आपने 3-3 सर ये स्टार्ट किया? मैंने ये सोच के स्टार्ट किया क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि क्रिकेट के अलावा हमको दूसरे स्पोर्ट्स चाहिए। लाइक आई सेड, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, तो जैसे हमारी कंपनी का नाम भी है बॉक्सिंग स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, सो दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स वेयर वी आर इनकरेजिंग पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन्स टू कम एंड कम ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म, बिकम स्टार्स, सो यू इंस्पायर द अदर पीपल टू जॉइन यू, टू वी वांट टू चेंज द जनरेशन ऑफ स्पोर्ट्स। एंड क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन तो है, लेकिन हमारे पास इतने स्टार्स, इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स नहीं है जो आप किसी छोटी कंट्री से ले लीजिए। चाहे आप क्यूबा में चले जाएं, तो क्यूबा में इतने तगड़े बॉक्सर्स हैं। सो आई वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। लाइक आई वांट इंडिया टू बिकम क्यूबा इन बॉक्सिंग, आई वांट इंडिया टू बिकम USA इन बास्केटबॉल, एंड वी हैव द रिक्वायर्ड टैलेंट एंड दैट्स द रीज़न आई हैव चोजन द स्पोर्ट। जी, जब मैं बड़ी हो रही थी, आई थिंक लाइक वी राइटली सेड अर्लियर, आई थिंक वी हैव ऑल बीन ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट। क्रिकेट हमारे लिए हमेशा एक इवेंट होता था, बट अदरवाइज I was not really somebody who was affiliated with or watched too much of sport because we never had exposure to it. यहाँ पे हम क्या देखते थे, जब हाँ we would watch the Olympics, हमेशा मैं gymnastics में I would be very very kind of interested in watching that because I would love to see what people would do physically with their entire being in that sense. But I think that I am very grateful to Ritvik and to Munna because they've exposed me to boxing, they've exposed me to squash, and now thanks to Rohit, I'm going to be watching today for the first time my first live basketball match, and I've only seen it on TV. And Hollywood में अगर आप देखेंगे, जब भी एक basketball match होता है, आप देखेंगे कि Hollywood के बहुत बड़े बड़े stars हमेशा वहाँ पर मौजूद है देखने के लिए। But because we've only been focusing on cricket all this time, that too men's cricket, not women's cricket, हम हमारी female team को इतना अटेंशन नहीं देते हैं। आई थिंक दैट वी हैव नेवर लुक्ड बियॉन्ड एंड इट्स टाइम फॉर अस टू लुक बियॉन्ड बिकॉज दुनिया जो है बदल चुकी है। हमारे जो नौजवान लोग हैं वो अभी एक्सपोज्ड है थ्रू देयर फोन, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली। और अगर आप बच्चे को पूछें कि आप कौन सा स्पोर्ट फॉलो करते हैं, 8 out of 10 विल टेल यू कि हम बास्केटबॉल देखते हैं। तो दिस इज ऑल्सो फैलेसी दैट द यंगस्टर्स आर ओनली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, सो वी मस्ट गिव देम वॉट दे रियली वॉन्ट। एंड लाइक वी स्पोक अबाउट द फोर्ब्स लिस्ट अर्लियर, और जैसे विराट कोहली जी की इंक्लूजन पे हम बहुत खुश थे, एंड राइटली सो, वी शुड बी हैप्पी विद दैट, बट वी फॉरगेट कि नंबर 1 पे एक बॉक्सर थे और नंबर 4 पे एक बास्केटबॉल प्लेयर वाज देयर। सो व्हाई नॉट एन इंडियन बॉक्सर, व्हाई नॉट एन इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर, व्हाई नॉट एन इंडियन स्क्वॉश प्लेयर। ऋत्विक इज़ बीन 4-time चैम्पियन ऑफ इंडिया खुद के बलबूते पे और खुद के रिसोर्सेज के साथ में। सो आई थिंक दैट वी नीड टू बी एबल टू सपोर्ट मोर देन क्रिकेट, वी हैव टू चेंज। कि बॉलीवुड सिर्फ फिल्म नहीं बनाती है ना, रीजनल सिनेमा में बहुत सारे फिल्म्स बनते हैं और बॉलीवुड से काफ़ी सुपीरियर फिल्म बनते हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ प्योर विजन, बट हम सिर्फ बॉलीवुड ऑब्सेस्ड हैं, व्हाई इज द क्वेश्चन। हाँ, बहुत इनकरेज करते हैं, इसीलिए हमने टीम लिया है और होपफुल हैं कि हमारे प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे और अलग अलग मेडल लेके आएंगे। सर, और अर्बन एरियाज में भी काफ़ी गए हैं सर आप सेलेक्ट करने के लिए? हाँ, ये 6 सिटीज़ में हम गए हैं, वहाँ पे ट्रायल्स भी हुए हैं, सिलेक्शंस भी हुए हैं, और ये तो बेसिकली वी आर बिल्डिंग द कम्युनिटी, बिल्डिंग की लोगों को पहले तो एक्सपोजर मिले कि ये स्पोर्ट ऐसे है, इसमें बच्चे ज़्यादा आसानी से इंडिया के लिए खेल सकते हैं। और अभी ये ओलंपिक स्पोर्ट बन गया 2020 में,
तो टोक्यो जा सकते हैं। अभी हमारे इंडियन बास्केटबॉलर्स जापान जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हैं। वैसे ही हमारे लॉट्स ऑफ हमारे जो प्रेजेंट प्लेयर जो दिल्ली हुपर्स में भी हैं वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने बास्केटबॉल सीखा है वहाँ पे, तो वो वापस आके इंडिया में खेल रहे हैं और हमारे इंडियन प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेयर है, एक इंडियन प्लेयर है। जो अगर फुटबॉल में लोगे जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, फिर मिस्टर सुनील छेत्री हैं, और फिर एक जूनियर है, तो सबको एक दूसरे के साथ खेलने को मिल रहा है, तो हमारे जूनियर्स को क्या एक्सपोजर मिल रहा है। कैमरा पर्सन परवेश मिश्रा के साथ अमित कुमार तिवारी, डीबी न्यूज़ दिल्ली।